दोस्तों आज की कहानी है एक गुब्बारे वाले की जो अपनी बिजनेस स्किल्स हमेशा अपने बिजनेस को मेंटेन रखता था। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे अपने बिजनेस को मेंटेन रखता था। एक गुब्बारे वाले मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। वो अपने पास लाल पीले नीले सभी रंग के गुब्बारे बेचते थे। जब कभी भी उस गुब्बारे वाले की बिक्री कम होने लगते थे तब वह गुब्बारे वाले अपने बिजनेस स्किल्स के मदद से हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ दिया करता था और हवा में उड़ता गुब्बारा देख बच्चे सब वैसे ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते थे और ऐसा करने से सभी बच्चे गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीदते थे और उससे गुब्बारे की बिक्री भी ज़्यादा हुआ करती थी और दूसरे दिन के सेल के मुकाबले उस दिन की सेल भी ज़्यादा होती थी और ऐसा ही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। ऐसे ही एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारा बेच रहा था। अचानक उसके पीछे से एक बच्चा गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारे छोड़ेंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे की बात गुब्बारे वाले को सीधे दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटा गुब्बारा अपने रंगों की वजह से नहीं उड़ता बल्कि उसके अंदर क्या है उस वजह से वो ऊपर जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन के अंदर क्या है और क्या नहीं वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि जैसा ही हमारे मन के अंदर रहेगा वैसे ही गुब्बारे की तरह ऊपर दिखेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने अंदर देखिए क्या कमी है और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि ये कहानी आप सभी को क्या। यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।